गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन यानी पुष्टिकरण का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन को आप दूसरे नाम से भी समझ सकते हैं, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन यानी पुष्टिकरण के द्वारा एजेंसी निर्माण करना। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट मेथड्स फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी के बारे में पढ़े थे, यानी एजेंसी किस प्रकार से क्रिएट की जा सकती है, उनके डिफरेंट मेथड्स क्या है, जिसमें हमने एजेंसी क्रिएटेड बाय इंप्लाइड एग्रीमेंट, एजेंसी क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एजेंसी क्रिएटेड बाय रेटिफिकेशन, एजेंसी क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ। तो ये डिफरेंट जो मेथड्स थे वी हैव डिस्कस्ड ऑल इन डिटेल्स इन लास्ट वीडियो। ठीक है, यहाँ पर हम डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन या एजेंसी क्रिएटेड बाय रेटिफिकेशन के बारे में जो है डिटेल से समझेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग जो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के चैप्टर में। तो देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन के बारे में जो ब्रीफ नॉलेज है वो आप लोगों को मैंने उस समय भी बता दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको जो एजेंसी बाय रेटिफिकेशन या डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जब कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कोई ट्रांजेक्शन है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से करता है, परंतु उस दूसरे व्यक्ति को उस ट्रांजेक्शन की जानकारी नहीं है, ठीक है ना, और फ्यूचर के अंदर जो भी दूसरा व्यक्ति है जिस व्यक्ति के नाम से ये ट्रांजेक्शन किया गया था और उस व्यक्ति के बिना किसी अथॉरिटी प्राप्त किए, तो वह व्यक्ति यदि उस ट्रांजेक्शन को फ्यूचर में एक्सेप्ट कर लेता है या उसको उस पर अपनी कंफर्मेशन दे देता है, रेटिफाई उसको कर देता है, पुष्टि कर देता है, तो फिर क्या होगा कि तो उस केस में ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने जो रेटिफिकेशन के द्वारा है एक एजेंसी जो है स्थापित कर दी है, यानी एजेंसी क्रिएट कर दी, ठीक है ना। तो उसके बाद जब कोई व्यक्ति रेटिफिकेशन के द्वारा एजेंसी क्रिएट करता है, तो उसके बाद थर्ड पार्टी के लिए जो है वह लायबल बन जाता है प्रिंसिपल के तौर पर, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखिए, दो पर्सन है, एक है अनीता, ठीक है ना, अनीता, ठीक है ना, और दूसरा है सुमन। अब ध्यान से समझना कि अनीता ने जो 1000 शेयर है वो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बाई किए, किसके लिए, सुमन के नाम से या सुमन के लिए। बट क्या है, सुमन को अभी उन शेयर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी प्रकार से एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तरीके से सुमन ने जो है अनीता को इस प्रकार की डायरेक्शन या आदेश जो है दिया नहीं है। लेकिन अनीता बिना सुमन को बताए यदि सुमन के नाम से 1000 रुपये शेयर जो है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से परचेज कर लेती है, ठीक है, और उसके बाद जो है सुमन जो है अनीता ने जो शेयर खरीदे हैं उनको एक्सेप्ट कर लेती है या उन पर अपनी कंफर्मेशन दे देती है, तो उसके बाद जो ये रिलेशनशिप है उसको हम कहेंगे एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय रेटिफिकेशन, ठीक है ना। अब रेटिफाई कौन कर रहा है अनीता के ट्रांजेक्शन को, सुमन के द्वारा जो है उस ट्रांजेक्शन को रेटिफाई किया जा रहा है या उस पर कंफर्मेशन जो है दी जा सकती है। तो सुमन जब अनीता के जो भी एक्ट है उसको कंफर्मेशन दे देगी, तो उसके बाद इन दोनों के जो बीच है वो रिलेशनशिप है वो इस्टैब्लिश हो जाएगी, और इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन यानी पुष्टिकरण के द्वारा एजेंसी संबंध स्थापित करना। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, फिर जो अनीता है वो एक प्रकार से एजेंट के तो एजेंट है वह समझी जाएगी, और जो सुमन है वह क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल। अब देखिए, उस केस में जो सुमन है वह थर्ड पार्टी के अगेंस्ट यदि कोई लायबिलिटीज होती है उस जो 1000 शेयर परचेज किए थे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से उसके संबंध में, तो फिर उन शेयर्स के संबंध में, थर्ड पार्टी के संबंध में जो भी लायबिलिटी अराइज होगी
तो उनके लिए सुमन रिस्पॉन्सिबल होगी, सुमन लायबल होगी, ना कि अनीता, क्योंकि अनीता ने जो कार्य सुमन के लिए किया था, ठीक है ना, बिना सुमन की जानकारी के, बट फ्यूचर के अंदर सुमन ने उस कार्य को है जो है रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई करने का मतलब क्या है, उस कार्य की पुष्टि कर दी और उस कार्य को जो है एक्सेप्ट कर दी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो एजेंसी है इसको हम कहते हैं एजेंसी क्रिएटेड बाय रेटिफिकेशन। और देखिए जो रेटिफिकेशन है या डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन है, उसका इफेक्ट क्या होगा, उस कार्य का इफेक्ट मैं आपको यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। देखिए एक है ना, 1 अक्टूबर को फर्स्ट अक्टूबर और 2020 को, ठीक है ना। अब देखिए 1 अक्टूबर और 2020 को अनीता ने जो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से 1000 शेयर सुमन के लिए खरीदे, सुमन के नाम से खरीदे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो उसके बाद जो है अनीता ने इस बात की जानकारी है वो सुमन को दी, कब, 1 नवंबर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या समझना है कि 1 नवंबर को जो सुमन है उसने अनीता के ने जो ट्रांजेक्शन किया था उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस पर अपना कंफर्मेशन दे दिया, ठीक है ना। यानी अब जो है उनके बीच एजेंसी रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो गई। और किस प्रकार से हुई, ये रेटिफिकेशन के द्वारा, क्योंकि सुमन है यानी जो भी एक प्रकार से प्रोस्पेक्टिव जो प्रिंसिपल है उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, ठीक है ना। और अब इस ये जो एजेंसी है ये कब से क्रिएट हुई मानी जाएगी, ये 1 तारीख से, ठीक है ना। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का इफेक्ट क्या होता है, ये एक प्रकार से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी भूतलक्षी प्रभाव जो है इस पर लागू होता है। 1 नवंबर से एजेंसी क्रिएट हुई नहीं मानी जाएगी, ये 1 अक्टूबर से जो है एजेंसी क्रिएशन माना जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया है। इसके बाद हम जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन, उसके बारे में समझेंगे। इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन, यानी पुष्टिकरण का प्रभाव या प्रभाव, फर्स्ट है क्रिएट्स वैलिड एजेंसी, क्रिएट्स वैलिड एजेंसी, देखिए जो रेटिफिकेशन के द्वारा हम एक वैलिड एजेंसी है वह क्रिएट कर सकते हैं। जो व्यक्ति है फर्स्ट पार्टी जिसने सेकंड पार्टी के नाम से या उसके बिहाव पर कोई कार्य किया है परंतु बिना सेकंड पार्टी के परमिशन के, तो जब फर्स्ट पार्टी के द्वारा किए गए कार्य को यदि सेकंड पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस दे देती है, कंफर्मेशन दे देती है, तो फिर वो एक प्रकार से वैलिड जो एजेंसी रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो जाती है बिटवीन फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी, ठीक है ना। जो फर्स्ट पार्टी है वो एजेंट बन जाता है और सेकंड पार्टी है वो प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम वैलिड एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं रेटिफिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अब देखिए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी भूतलक्षी प्रभाव, इसका मतलब क्या है कि जब फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी के नाम से या सेकंड पार्टी के लिए कोई ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, सपोज कीजिए महीने की 1 तारीख को ये ट्रांजेक्शन किया है, और उसके बाद जो सेकंड पार्टी है उसने उस ट्रांजेक्शन को जो महीने की 15 तारीख को उस पर अपना कंफर्मेशन दे दिया या यू कहें कि उसको रेटिफाई कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया है उस ट्रांजेक्शन को,
तो फिर क्या होगा कि ये जो एजेंसी है वो जो एक प्रकार से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के आधार पर क्रिएट की जाएगी। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब जिस दिन जो ट्रांजेक्शन किया है फर्स्ट पार्टी ने, उसी दिन से वो एजेंसी उनके मध्य जो है क्रिएट हुई मानी जाएगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है, फर्स्ट पार्टी ने कोई ट्रांजेक्शन किया है सेकंड पार्टी के बिहाफ पर, और सेकंड पार्टी ने उस ट्रांजेक्शन की पर एक्सेप्टेंस है वो 20 तारीख को दी है, तो यहाँ पर 20 तारीख को एजेंसी जो है क्रिएट नहीं हुई मानी जाएगी। एजेंसी क्रिएट कब हुई मानी जाएगी, पिछली डेट से। ठीक है ना, जिस तारीख को ट्रांजेक्शन एक्चुअली हुआ है या ट्रांजेक्शन एक्चुअली टेक प्लेस, राइट। इसके बाद तो रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि कोई जो जिसका भूतलक्षी प्रभाव होता है, यानी एक पास्ट डेट से जो है एजेंसी क्रिएटेड हुई मानी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब उसके बाद देखिए मोड ऑफ रेटिफिकेशन। नेक्स्ट है मोड ऑफ रेटिफिकेशन। तो रेटिफिकेशन है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका जो वे क्या है, तरीका क्या है, तो इसके बारे में भी समझना। दो इफेक्ट मैंने बता दिए कि जब आप रेटिफिकेशन सेकंड पार्टी के द्वारा फर्स्ट पार्टी जो के द्वारा किए गए कार्य का को रेटिफाई कर दिया जाता है, कंफर्म कर दिया जाता है, तो फिर एक एजेंसी क्रिएट हो जाती है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी के बीच। ठीक है ना, तो ये एक वैलिड जो एजेंसी होती है और इसका जो प्रभाव है वो पिछली डेट से होता है जिस डेट को फर्स्ट पार्टी ने कोई ट्रांजेक्शन है वो पूरा किया है। अब जो मोड ऑफ रेटिफिकेशन क्या हो सकता है, इसमें भी दो प्रकार के जो वे हैं, एक है एक्सप्रेस और सेकंड है इंप्लाइड। ठीक है ना, एक्सप्रेस वे, ठीक है ना, और सेकंड है इंप्लाइड। देखिए एक्सप्रेस वे और इम्प्लाइड वे। एक्सप्रेस का मतलब यदि कोई लिखित के अंदर उस कार्य की पुष्टि की जाती है सेकंड पार्टी के द्वारा, या फिर ओरली उस जो है एक्ट को कंफर्म कर दिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर वो क्या है, रेटिफिकेशन बाय एक्सप्रेस मेथड। ठीक है ना, और यदि पार्टी अपने कंडक्ट से, ठीक है ना, यदि फर्स्ट पार्टी के द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर उसे हम कहते हैं, यदि कंडक्ट के आधार पर, बिहेवियर के आधार पर, तो उसे हम कहते हैं एज ए रेटिफिकेशन बाय इम्प्लाइड वे। ठीक है ना, यानी इम्प्लाइड या गर्भित तरीके से जो है पुष्टिकरण करना। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने आपको कहा कि एक यहाँ पर हम दोबारा नाम लिखेंगे, ठीक है ना, जैसे राम है, ठीक है ना, और यहां पर ये है अनिल। ठीक है ना, ये दो व्यक्ति हैं। राम ने अनिल के नाम से और अनिल के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से 1000 जो शेयर हैं वो खरीदे। किसने खरीदे, राम ने, किसके लिए, अनिल के लिए। बट अनिल ने राम को खरीदने के लिए नहीं कहा था, ना ही कोई अधिकार दिए थे कि राम अनिल के बिहाफ पर शेयर खरीदे, बट राम ने ऐसा कार्य कर लिया, यानी शेयर परचेज कर लिए अनिल के लिए। अब क्या होता है,
थोड़े समय बाद 5-10 दिन के बाद या ऐसे मानिए 1 महीने बाद या 6 महीने बाद जो उन शेयर्स पर 1,000 शेयर्स राम ने परचेज किए थे अनिल के लिए उस पर कंपनी की तरफ से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है और वो डिविडेंड है वो राम को प्राप्त होता है, राम उस डिविडेंड का जो पेमेंट है वो अनिल को कर देता है, ठीक है। और ये कहकर कि राम ने अनिल के लिए 1,000 शेयर्स परचेज किए थे, ठीक है ना। अब देखिए जो अनिल यदि उस डिविडेंड को प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना, डिविडेंड को प्राप्त कर लेता है जो कि राम ने जो शेयर्स परचेज किए थे 1,000 अनिल के नाम से या अनिल के लिए उस पर जो डिविडेंड मिला है उसको यदि अनिल प्राप्त कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर इस प्रकार का जो रेटिफिकेशन क्या कहलाएगा, रेटिफिकेशन बाय इम्प्लाइड वे, ठीक है ना। यानी एक प्रकार से ना तो कोई स्पष्ट जो है लिखित में कोई स्वीकृति दी है, ना ही किसी प्रकार का जो ओरली स्वीकृति दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेटिफिकेशन क्या है, रेटिफिकेशन बाय द कंडक्ट, ठीक है ना। एक तरीके से ऐसा व्यवहार क्या है, क्योंकि उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है शेयर्स पर, जो डिविडेंड मिल रहा है उस प्रॉफिट को या डिविडेंड को जो सेकंड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी राम, ठीक है ना, सेकंड पार्टी है अनिल, ठीक है ना। तो राम ने कोई काम जो है अनिल है उसकी बिना अनुमति के लिए अनुमति के किया और फ्यूचर के अंदर अनिल ने उस ट्रांजेक्शन से यदि कोई बेनिफिट या प्रॉफिट हुआ था तो उसको एक्सेप्ट करके जो है राम के द्वारा किए गए कार्य को जो है कंफर्मेशन दे दी, उसको रेटिफाई कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से रेटिफिकेशन 2 तरीके से हो सकता है, रेटिफिकेशन बाय जो है एक्सप्रेस और वे और रेटिफिकेशन बाय इम्प्लाइड, ठीक है ना। इम्प्लाइड के अंदर मैंने आपको बता दी ये पार्टी के कंडक्ट बिहेवियर पर डिपेंड करता है और यदि सेकंड पार्टी के द्वारा उस ट्रांजैक्शन के संबंध में कोई प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो भी इसे हम इम्प्लाइड जो है वे कहेंगे रेटिफिकेशन का। ओके, इसके बाद इन पॉइंट्स को आप चाहे तो नोट करें, फिर हम जो वैलिड जो रेटिफिकेशन है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको समझेंगे। रिक्विजिट्स और रूल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन, ठीक है। यानी जो एक वैध पुष्टिकरण है उसके संबंध में क्या कंडीशंस है, क्या आवश्यक बातें हैं और क्या नियम हैं, इनके बारे में अब समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट है एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सपोज्ड प्रिंसिपल, बिहाफ ऑफ सपोज्ड प्रिंसिपल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोस्पेक्टिव है, संभावित है, संभावित प्रिंसिपल या नियोक्ता या प्रधान, उसके बिहाफ पर फर्स्ट पार्टी ने यदि कोई कार्य किया है तब ही पुष्टिकरण किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंने अपने किसी फ्रेंड के लिए जो है शेयर खरीदे, या हो सकता है मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है,
मोबाइल फ़ोन खरीदा और बिना फ्रेंड की परमिशन के, यदि फ्यूचर में फ्रेंड उस फ़ोन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा कि जो एक प्रकार से ये ट्रांजैक्शन को कंफर्मेशन मिलने के बाद एजेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना, और इस एजेंसी को हम कहेंगे एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। यहाँ पर मैं जिसने की फ़ोन ख़रीदा है वह एजेंट बन जाएगा किसका, फ्रेंड का, क्योंकि फ्रेंड क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सपोज प्रिंसिपल, यदि आपने अच्छा एक बात और समझिए, यदि मैंने मोबाइल फ़ोन अपने लिए ही ख़रीदा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद मैं उस फ़ोन को अपने फ्रेंड को दे देता हूँ, तब उस केस में एजेंसी बाय रेटिफिकेशन है वो क्रिएट नहीं होती है। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का एक फंडामेंटल और मूलभूत जो पॉइंट्स ये है, कंडीशन ये है कि उसमें कोई कार्य सपोज्ड प्रिंसिपल या जो संभावित प्रिंसिपल है उसके लिए ही किया जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल अब देखिए एक जरूरी बात कि जो भी कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा सपोज्ड प्रिंसिपल या प्रोस्पेक्टिव संभावित प्रिंसिपल के लिए जो किया जा रहा है, उस केस में जो प्रिंसिपल है वह एग्जिस्ट जो है होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी की स्थापना करते हैं, तो देखिए कंपनी का जो अस्तित्व है कानून की नज़र में वो कब आता है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन या जैसे हिंदी में कहें तो पंजीयन या समामेलन करवा दिया जाता है। लेकिन जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन नहीं होता, तब तक कंपनी जो है इन द आइज ऑफ लॉ वो जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उस केस में यदि कोई प्रमोटर्स कोई कार्य करते हैं कंपनी के लिए, तो क्या उन कार्यों को कंपनी एग्जिस्टेंस में आने के बाद पुष्टिकरण कर सकती है, रेटिफाई कर सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि जब कार्य प्रमोटर कर रहे थे उस समय कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं था। एक और एग्जांपल हम लेंगे कि जैसे कोई अभी जैसे अभी कोई बच्चा है और वो पेट में है, ठीक है ना, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, कोई व्यक्ति क्या उस बच्चे के लिए या उस बच्चे के नाम से कोई कार्य कर सकता है? हाँ, कार्य तो कर सकता है, उसमें कोई ना नहीं है, उसके लिए जो है प्रॉपर्टी खरीद के दे सकता है, ठीक है ना। परंतु ये जो क्या वह बच्चा जो अभी गर्भ में है, पेट में है, क्या अपने जन्म के बाद जब वो 18 साल का हो जाएगा, क्या वह उस कार्य को की पुष्टि कर सकता है, क्या उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसको रेटिफाई या कंफर्मेशन दे सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि जब कोई कार्य आप कर रहे हैं उस बच्चे के आधार पर, तो बच्चा अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। यानी जो प्रिंसिपल है, जो संभावित प्रिंसिपल है जिसके लिए काम किया जा रहा है, उसका एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। जब वह एग्जिस्ट करता है और यदि आपने उनके लिए काम किया है, तभी वो उसको रेटिफाई कर सकते हैं। जब एग्जिस्टेंस में ही नहीं है प्रिंसिपल, तो फिर उसके कार्य को रेटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन का एक सिद्धांत है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब जिस दिन को कार्य किया है उस दिन से एजेंसी जो है स्थापित हुई या क्रिएट हुई मानी जाएगी। अब बताइए, आपने कोई आज कार्य किया है और अभी तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो किस प्रकार से एजेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जो पार्टी तो एग्जिस्ट नहीं करती। फ्यूचर में यदि सपोज कीजिए उसने एक्सेप्टेंस भी दे दिया, लेकिन ये देखा जाएगा कि जिस तारीख को आपने कोई एक्ट किया था उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदी या शेयर्स खरीदे थे, ठीक है ना, तो उस दिन तो उसका एग्जिस्टेंस था ही जो सपोज आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल
अब देखिए जो प्रिंसिपल है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी भी होना जरूरी है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी यानी उसका जो एज है वो मेजर होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। किसी भी कानून के द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई, कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई जो है डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति है वो प्रिंसिपल बन सकता है और उसके द्वारा जो है फर्स्ट पार्टी के कार्यों को रेटिफाई किया जा सकता है, कन्फर्मेशन दी जा सकती है, ठीक है ना। तो पहले भी हमने बात की थी कि एजेंट है, एजेंट का जो है एजेंट को कॉम्पिटेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है एजेंट के पास वो होनी जरूरी नहीं है, बट प्रिंसिपल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फुल नॉलेज ऑफ ऑल फैक्ट्स। फुल नॉलेज ऑफ ऑल फैक्ट्स, अब देखिए यहां पर एक मैं बात आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंने आपको एक एजेंट अपॉइंट किया, ठीक है, और एजेंट अब अपॉइंट इसलिए किया, मैंने आपको कहा कि आपको 1000 क्विंटल जो गेहूं है, ठीक है, 1000 क्विंटल गेहूं और वह 2000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदना है। समझ में आ रही बात है, मैंने आपको रेट भी बता दिया और जो क्वांटिटी कितना परचेज करना है ये भी बता दिया। अब आपने क्या किया, 1000 क्विंटल गेहूं और 2500 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से आपने खरीदी, यानी बताए गए रेट से कहीं ज्यादा रेट पर। मैंने तो आपको यही कहा था कि आप 2000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से खरीदें, लेकिन आपने उस डायरेक्शन को नहीं मानकर 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदे, और ये आपने कहीं बाहर से नहीं खरीदे, आपने अपने गेहूं है और उसको ही मुझे बेचने का जो है प्रयास कर ये बताकर कि जो गेहूं है वो 2500 रुपए क्विंटल है वो बाजार से खरीदे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या इस प्रकार के कार्यों की प्रिंसिपल कभी पुष्टि कर सकता है, आंसर इज नो, क्योंकि ये बात आपको बतानी पड़ेगी प्रिंसिपल को कि आपने अपना ही गेहूं जो है आपके लिए जो है या प्रपोज जो प्रिंसिपल है उसको सेल कर दिया, ठीक है ना, आपने कहीं बाजार से गेहूं नहीं खरीदा। इस बारे में यदि जानकारी जब तक आप प्रिंसिपल सपोज्ड जो प्रिंसिपल है उसको नहीं देते हैं तब तक जो एक वैलिड रेटिफिकेशन जो है प्रिंसिपल के द्वारा नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य कि जो भी ट्रांजैक्शन फर्स्ट पार्टी ने सपोज्ड या प्रोस्पेक्टिव प्रिंसिपल संभावित नियोक्ता के लिए किया है तो संभावित नियोक्ता के द्वारा जो पुष्टि की जाती है, रेटिफाई किया जाता है ट्रांजैक्शन को, वो रेटिफिकेशन तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक कि प्रिंसिपल है उसको उस ट्रांजैक्शन की कंप्लीट जानकारी न दी जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन रीजनेबल टाइम, ठीक है। अब देखिए जो पुष्टि की जाती है, ठीक है ना, रेटिफाई किया जाता है उसका भी एक समय है। देखिए यदि कोई टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है तो उस टाइम पीरियड के तक जो है उसका रेटिफाई या पुष्टिकरण की जा सकती है, उसके बाद नहीं। यदि कहीं टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है तो उस केस में जो रेटिफिकेशन है जो भी रीजनेबल टाइम होगा उचित समय। अब रीजनेबल टाइम का क्या डेफिनेशन है आप पूछेंगे, तो रीजनेबल टाइम है वो उस ट्रांजैक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है और उस समय की परिस्थितियों पर, फैक्ट्स ठीक है क्या है उन पर निर्भर करता है, उनको देखिए कर ही पता चलता है कि रीजनेबल टाइम क्या हो। इसीलिए तो ये वर्ड है रीजनेबल, ये क्लियर नहीं है, ठीक है ना। रीजनेबल का मतलब क्या होगा, ये जो भी सरकमस्टांसेस है
उन पर आधारित होगा, उनके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉफुल एक्ट्स। लॉफुल एक्ट्स अब देखिए, जो रेटिफिकेशन है, पुष्टिकरण है, एक्सेप्टेंस है, कंफर्मेशन है, केवल लॉफुल एक्ट का दिया जा सकता है, या लॉफुल एक्ट है उनको रेटिफाई किया जा सकता है। एग्जांपल बहुत आसान है कि जैसे आपने और अपने फ्रेंड आपने अपने फ्रेंड के जो है चेक पर जो जाली साइन करके और बैंक से पैसे विड्रॉल कर लिए। देखिए आपने क्या किया, जो आपका फ्रेंड है उसके चेक पर जाली साइन करके बैंक से पैसे विड्रॉल कर लिए, तो क्या अब भाई आपके और आपके फ्रेंड के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग है, क्या आपका फ्रेंड उस आपके जो जो ट्रांजेक्शन किया है क्या उसकी पुष्टि कर सकता है? तो आंसर इज नो, क्योंकि देखिए यदि आपने एक प्रकार से फेक सिग्नेचर किए हैं, जाली साइन किए हैं फ्रेंड के बिहाव पर, तो फ्रेंड कभी भी जो उस एक प्रकार से, क्योंकि जाली साइन करना, फेक साइन करना, ये एक प्रकार से अनलॉफुल है और अनलॉफुल एक्ट का कभी भी रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है कि फ्रेंड रेटिफाई कर दे, बट उससे एजेंसी जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट नहीं होगी, और आपने यदि जाली साइन किया तो आपको सजा जरूर मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि कानून की नजर में केवल लॉफुल एक्ट है उन्हीं का रेटिफिकेशन किया जा सकता है, अनलॉफुल एक्ट का रेटिफिकेशन संभव नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है, होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन अब देखिए, रेटिफिकेशन के अंदर जब किसी हाफ ट्रांजेक्शन को यदि रेटिफाई कर दिया जाता है, तो उसमें हाफ नहीं, हम पूरे ट्रांजेक्शन को रेटिफाई या पुष्टिकरण हुआ मानेंगे। एग्जांपल क्या है कि जैसे मैंने जो है आपके नाम से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जो है 1000 शेयर खरीदे, अब आपने क्या है उसमें से 500 शेयर रख ली, ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर ली, कंफर्मेशन दे दी, तो इसका मतलब क्या है, जो ये 1000 शेयर खरीदे थे उस पूरे जो ट्रांजेक्शन को है कंफर्मेशन मिल गई और एजेंसी रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो गई, ठीक है ना। यानी हाफ जो यदि पार्ट है या किसी जो किसी भी पार्ट को या कुछ हिस्से को यदि रेटिफाई कर दिया जाता है, इसका मतलब जो है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू नेक्स्ट है नो कंडीशनल रेटिफिकेशन। नो कंडीशनल रेटिफिकेशन अब देखिए, जो रेटिफिकेशन है पुष्टिकरण वह कभी भी कंडीशनल नहीं होना चाहिए। यदि कंडीशनल रेटिफिकेशन है तो उसको हम वैलिड रेटिफिकेशन नहीं मानेंगे, यानी प्रिंसिपल है वो कोई भी कंडीशन नहीं रखे, एक प्रकार से विदाउट कंडीशनल अनकंडीशनल जो है कंफर्मेशन या एक्सेप्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अथॉरिटी टू रेटिफाई। Authority
अब देखिए अथॉरिटी टू रेटिफाई, इसका मतलब हम समझते हैं कि देखिए एक व्यक्ति है जो किसी कंपनी में मैनेजर है, ठीक है ना, और उसको जो रॉ मटेरियल परचेज करने का उसके पास अथॉरिटी नहीं है, राइट। अब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है जिसने कंपनी के लिए जो है रॉ मटेरियल परचेज किया, क्या वह मैनेजर उस व्यक्ति के ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि जो मैनेजर की हम बात कर रहे हैं, जिस मैनेजर की, उसके पास रॉ मटेरियल परचेज करने का अधिकार नहीं। केवल वही मैनेजर उस व्यक्ति के कार्य को रेटिफाई कर सकता है जिसके पास रॉ मटेरियल खरीदने का अधिकार हो, अथॉरिटी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिकेशन। अब देखिए जो रेटिफिकेशन है उसमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि रेटिफिकेशन कौन करता है किसी ट्रांजैक्शन का? प्रिंसिपल, ठीक है ना, जो सपोज्ड प्रिंसिपल है, संभावित प्रधान है, नियुक्त है, उसके द्वारा जो व्यक्ति है फर्स्ट पार्टी, उसके ट्रांजैक्शन का रेटिफिकेशन किया जाता है, कन्फर्मेशन दी जाती है। तो ये जो रेटिफिकेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसकी या कम्युनिकेशन है उसके बारे में, वह कम्युनिकेशन एजेंट को जो है होना जरूरी है। जब तक जो है प्रिंसिपल के द्वारा किए गए रेटिफिकेशन का कम्युनिकेशन जो है एजेंट तक नहीं पहुंचता है, एजेंट को वह जानकारी रेटिफिकेशन की नहीं मिलती है, तब तक जो रेटिफिकेशन है वो वैलिड नहीं बन पाता, ठीक है ना, और वैलिड जो एजेंसी है वह क्रिएट नहीं होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं। द एक्ट रिलेटिंग टू द एग्जिस्टिंग थिंग और गुड्स। देखिए रेटिफिकेशन कभी भी फ्यूचर गुड्स या जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन है उसकी नहीं की जा सकती। रेटिफिकेशन हमेशा जो पास्ट ट्रांजेक्शन है केवल उसकी की जा सकती है, यानी फ्यूचर में यदि आप क्या कोई काम करेंगे तो अभी उसका आप पुष्टिकरण नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर एक अलग जो है जो ट्रांजेक्शन बन जाता है, ये रेटिफिकेशन की कैटेगरी में नहीं आता। रेटिफिकेशन में केवल जो पास्ट में किए गए ट्रांजेक्शन उनको ही रेटिफाई या उनकी पुष्टिकरण या एक्सेप्टेंस या कन्फर्मेशन भी दी जा सकती है। तो उम्मीद है आपको डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन या पुष्टिकरण का सिद्धांत या एजेंसी बाय रेटिफिकेशन है, इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वह समझ में आए हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।